अमजद खान साहब का ही मशहूर हूँ, उसके बाद मैं साफी दोस्तों का इतना मशहूर हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए, और माजफा भी हूँ कि मैं कुछ तारीख से पहुँचा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि मैं ये जो विज़िट कर रहा हूँ बरतानिया का, और संडे को मैंने अमेरिका जाना है, कैनेडा एक दिन के लिए जाना है, वापसी के यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन यूनियन जाना है, एक में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक दिन के लिए पेरिस भी जाना है। ये बुनियादी तौर पे आप जानते हैं कि मकबूला कश्मीर में मैस मूवमेंट की एक नई लहर का आगाज़ हुआ है, जिस वजह से वहाँ पे ऑल पार्टी जमीत पर फंस के जो रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसी तरह वहाँ पे जो इंडियन एट्रोसिटीज़ हैं उनमें इजाफा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो वहाँ पे मूवमेंट चल रही है ये जमहूरी अंदाज में चल रही है, और वहाँ पे लोग सड़कों पर निकल आए हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि 9/11 के बाद वहाँ पे जो हमारा नौजवान था उसने बंदूक नीचे रख दी थी, और इसलिए भी कि उस वक्त जितनी भी आज़ादी की मूवमेंट्स थी उनको टेररिज्म के साथ इक्वेट किया जा रहा था, लेकिन ये डेमोक्रेटिकली एक मूवमेंट का आगाज़ हुआ है, और डिप्लोमेटिकली हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बार हमारी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इनक्रेजमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो नौजवान है कश्मीर का वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और ये ना हो कि दोबारा वहाँ पे आम स्ट्रगल का आगाज़ हो जाए। और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान दोनों वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, और इससे एक बड़ी एटमी जंग का पेशामा वो साबित हो सकती है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मैं ये इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह आप देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से और बड़े शॉर्ट विजिट्स के लिए मैं जा रहा हूँ। और बरतानिया में एक वजह ये भी है आने की कि यहाँ पे 7 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, और मैं उन कैंडिडेट्स की सपोर्ट कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और ऑल पार्टीज कश्मीर कॉन्फ्रेंस या कश्मीर कमेटी जो है हमारी हाउस ऑफ कॉमन्स में है उसके मेंबर्स हैं। और आप जानते हैं कि हमारे 72 जो मेंबर पार्लियामेंट थे लास्ट पार्लियामेंट में वो उसके मेंबर थे, और मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट में 100 का फिगर हम क्रॉस करें। इसलिए मैं हर रोज़ तकरीबन 6-7 शहरों में जा रहा हूँ, और वहाँ पे उनकी पाकिस्तानी और कश्मीरियों से कह रहा हूँ कि उनकी सपोर्ट करें। तो यहाँ पर बरतानिया में बुनियादी मकसद मेरा ये है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान को भी माजरत खाना रवैया दाख करके दो टोक अल्फाज में कश्मीरी आवाम की हमायत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज आ गया है, एक दफ़ा फिर कश्मीरी उठ खड़े हुए हैं, और ये उनकी जो हमायत है वो इस वक्त की जानी चाहिए। और मैं ये भी बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब की एक ऐसी क़यादत हमें नसीब है, और वो हो सकती है हुकूमत में आने की सूरत में कि इस वक्त मुल्क को जितने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला है, ये मैं समझता हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास की बात नहीं है। वहाँ पे एक मजबूत जिसको अवामी सपोर्ट हासिल हो वही लीडर इस वक्त इन चीज़ों को फेस कर सकता है। और वैसे भी इस वक्त आपने अगर हालात देखें तो इस वक्त जो वफाक की अलामत है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है, जो हर जगह मौजूद है, जो पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, और पिछले दिनों आपने देखा कि कराची का इलेक्शन हुआ, अगर चाहे तहरीक इंसाफ जीती नहीं लेकिन वही एक पार्टी थी जिसने वहाँ
खौफ की एक सूरत हाल थी, एक वहाँ पे डोमिनेशन की सूरत हाल थी, उसको चैलेंज किया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी आपने देखा कि वहाँ पे एक माह पहले जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ था उसमें भी पीटीआई ने वो फतह हासिल की, और इसी तरह अपने गिलगित बल्तिस्तान में भी जो इलेक्शन होने वाले हैं जून को, उसमें भी इंशाअल्लाह पीटीआई वो फतह हासिल करेगी। और पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर की मैं बात करूँगा कि वहाँ पर लोग जोग दर जोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, और मैं आज भी देख रहा हूँ कि पीटीआई में शामिल होने वालों में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर राजा आरफ साहब आज हमारे साथ शामिल हुए। मैं इनको पीटीआई में शामिल होने का इशारा चाहता हूँ, और इन्हें अपनी तरफ से और पीटीआई की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि वो जो तौकात लेके आज हमारे साथ शामिल हुए हैं इसमें वो बिल्कुल मायूस नहीं होंगे। पीटीआई बरतानिया में उनको भी तकवीत मिलेगी, तो मैंने खुश आमदेद कहता हूँ। तो मैं इसके साथ ही आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए आचार्य चाहूँगा कि अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या कोई क्वेरी हो तो बात मेहरबानी। देखिए जी, बात यह है कि कश्मीर इशू पिछले दफा बड़े जो पार्लियामेंट थी उसमें बड़े जोरदार तरीके से उठाया गया, अगरचे जितनी हमारी तौकात थी शायद उतना ना हो सके, लेकिन जो ऑल पार्टीज कश्मीर कमेटी थी आपने देखा कि उसने हमारे मिलियन मार्च की भी सपोर्ट की, और 25 से ज़ायद मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह जो ऑल पार्टीज कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारिजा को खत लिखे, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को खत लिखे। इसी तरह जहाँ जहाँ भी हमारी ऑल पार्टीज कश्मीर कमेटी है, लाइक यूरोपियन पार्लियामेंट, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, वहाँ भी उनको कोऑर्डिनेशन के लिए खत लिखे। लेकिन मेरा आने का यहाँ मकसद यही है कि मैं जब इनकी सपोर्ट कर रहा हूँ और उनसे इंसान में ये वादा भी ले रहा हूँ कि जो नेक्स्ट जीतने के बाद आफ्टर 7 मई वो ज़्यादा भरपूर, ज़्यादा बिगर और ज़्यादा एग्रेसिवली हमारी सपोर्ट करेंगे कश्मीर के मसले। जल्दी साहब, पहले तो आपने मुबारकबाद किया आपने जो अभी आपने कहा कि रवैया कश्मीर पे वो इख्तियार किए हो रहे, जबकि ऐसी बात शायद नहीं आप जैसे ऐसी बात सुन के मुझे अफसोस हुआ कि पाकिस्तान ने तो हमेशा बगैर किसी हर पार्टी मुतफिक के कश्मीर वाले मसले मगर क्या याद रही है कि क्या कुछ बात बता सकते हैं जिसको आप कर समझते हैं कि पाकिस्तान की बात में हमेशा नहीं कह रहा जैसे आप कह रहे हैं, हमेशा करता रहा बाद में प्रेजेंट गवर्नमेंट की कर रहा हूँ। प्रेजेंट गवर्नमेंट को मेरा ये ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह के उनको वाजिया तौर पर ये कहना चाहिए कि हम कश्मीरी आवाम के साथ हैं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है तो ज़ाहिर है उसकी एक अपनी अहमियत है, कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये मैस मूवमेंट है, ये डेमोक्रेटिकली एक मूवमेंट चली है, ये आम स्ट्रगल नहीं है, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ज़्यादा एफर्ट्स होनी चाहिए। मसलन चाइनीज़ प्रेसिडेंट गया है वो हमेशा हमारी सपोर्ट करते हैं चाइनीज़, लेकिन कोई जो उनका क्वीन क्या आया उसमें कश्मीर का जिक्र तक नहीं है। अगर आप इसे समझते हैं ये माजरत खाना नहीं है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ।
अच्छा सर, पहले तो आपको बहुत मुबारक जिस तरह आप मौके दे रहे हैं, ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि इलेक्शन 7 मई के बड़े अहम हैं जो होने जा रहे हैं और आप उसके लिए खासतौर पर आए हैं, और बाकी पाकिस्तान पर जब यहाँ पर इलेक्शन होती है तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो आप क्या समझते हैं किसी खास पार्टी कंजर्वेटिव या लेबर पार्टी में से किसी एक खास पार्टी को आप ज़्यादा समझते हैं सपोर्ट कर रहे हैं, या आप समझते हैं जहाँ भी आपकी कश्मीरी जो शख्स एम पी का उम्मीदवार है आप उसको ओवरऑल सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, मेरा जो स्टैंडर्ड है उनकी सपोर्ट करने का या मेरा नुक्ता नज़र है, पहली बात तो ये है कि जो ऑल पार्टीज कश्मीर कमेटी के मेंबर्स हैं चाहे वो जिस भी पार्टी से, और दूसरा ये है कि जो ज़्यादा एग्रेसिवली या ज़्यादा टाइम देते हैं और हमारी जो मीटिंग्स होती हैं कश्मीर कमेटी की उसमें आते हैं काम करते हैं, तो उनको हम ज़्यादा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। कश्मीर पर जो पीटीआई की पॉलिसी क्या है, कभी वाजे तौर पर सामने नहीं आई, इमरान खान साहब ने इस तरह खुलकर जमायत की, कुछ आप बताएंगे क्या कश्मीर पे क्या पॉलिसी है पीटीआई की? देखिए जी, कश्मीर की इसमें बड़ी वाजिया है, पीटीआई की पॉलिसी कि वो कश्मीर के जो अपने खुद अरादियत है उसकी हमायत करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, जिस तरह की आज मैंने कहा कि इंडियन एट्रोसिटीज में इजाफा हो रहा है उसकी कंडमनेशन है, और इसको इंटरनेशनल फोरम पे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर है मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो पीटीआई की तरफ से कर रहा हूँ। अच्छा ब्रिस्टर साहब, कौन सी ऐसी खामी है जिस वजह से हमारा मौका इतना कमज़ोर है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, आर्मी किसी जगह पे कोई इराक हो, कुवैत में मसला हो या अफगानिस्तान में हो तो सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, कश्मीर के मसले पर तमाम आर्मी खुद से क्यों नहीं इकट्ठी हो रही, क्या कमज़ोरी क्या है? देखिए जी, एक तो सीधी सादी बात है कि इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री और इंडिया अपने मौक़िफ़ को बड़ा वो वाज़ेह तौर पे वो बयान करता है, जबकि हमारी मुश्किलात रही हैं और हमारी वो स्टेबिलिटी भी उस तरह नहीं आ सकी मुल्क में, और जिस तरह हमें सपोर्ट करनी चाहिए उस तरह वो नहीं, पाकिस्तान जैसे मैंने पहले कहा है तो उस तरह नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये अगर गवर्नमेंट सतह पे किया जाता तो शायद उसकी ज़्यादा एक हैसियत होती। मैं तो चलो ये कह रहे हैं कि भैया कश्मीरी या पीटीआई के कश्मीर चैप्टर के सदर की हैसियत से कह रहा हूँ, मैं समझता रहूँ कि अगर वो गवर्नमेंट लेवल पे और इस तरह किया जाता है जिस तरह के इंडियंस करते हैं उस तरह हम नहीं कर रहे। अब हमने मिलियन मार्च किया तो पूरी इंडियन गवर्नमेंट हिल गई और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने वज़ीर ख़ारजा को यहाँ भेज दिया, और मैं बड़ी इबादत के साथ कहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे लोग बैठे हुए थे इस बार खानों में उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, दैट इज़ द डिफरेंस। अच्छा ब्रिस्टर साहब, के ऐसा ही मिलियन मार्च आप वफाकी गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं करते ताकि वो बोल्ड स्टेप लें, कश्मीर के ऊपर वाजिया पॉलिसी करें, लोगों को जितनी अमेरिका या दूसरे ताकतें उनको कहें कि हमारे साथ यहाँ पे खड़े हों। बात यह है जी कि इंडिया के खिलाफ करना तो मैं समझता हूँ ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ करना मुनासिब नहीं है, लेकिन इस तरह का मिलियन मार्च इस्लामाबाद या मुजफ्फरबाद की तरफ किया जा सकता है। चौधरी साहब, ये मिलियन मार्च लास्ट ईयर आपने किया था, आप क्या समझते हैं कि पता ये चला था कि आप 5 साल ये प्रोग्राम बना रहे हैं आपने मिलियन मार्च किया था? लेकिन जी मैं ये अच्छा हुआ साहब आपने तवज्जो दिलाई इस तरफ, इंशाल्लाह ये इस तरह का मिलियन मार्च हर साल होगा, सिर्फ वैल्यू का मैं आज ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये फैसला नहीं हुआ, बट विल बी द वैल्यू। पूरी गवर्नमेंट का रुझान भारत की तरफ ज़्यादा होता है, सपोर्ट करते हैं पॉलिसीज में भी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप नहीं समझते अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट भी पूरी पार्टी की बनी तो कश्मीर पर उस तरह का काम नहीं हो सकेगा? देखिए जी, गवर्नमेंट्स की तो मेहर गवर्नमेंट ज़्यादा बात कर सकती हैं, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट, हम जो कर सकते हैं वो ये है कि मेंबरान पार्लियामेंट फ्रॉम ऑल साइड्स तवज्जो दिला सकते हैं, और ज़ाहिर है जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो चाहे जिस भी पार्टी की हों वो गवर्नमेंट पर अपना दबाव डाल सकते हैं।
जो पाकिस्तानी ओरिजिन पर एमपीज है या हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो अरकान है, आप समझते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं? सवाल जी अगर वो कर रहे हैं तो खाना खा ला ऐसी कॉन्फ्रेंस पर अच्छा बिस्टर साहब इमरान खान की कश्मीर के बारे में तो बड़ी पॉजिटिव पॉलिसी भी है, प्रयास भी है, मौके भी आप उसकी तय भी किए, कल तो वो गवर्नमेंट में आ जाते कि आप उनका भी साथ देंगे कि फिर किसी और पार्टी की तरफ आप रुझान कर लेंगे? लेकिन बात ये है कि मैं पीपल्स पार्टी में 22 साल रहा और मेरा इख्तलाफ उनसे खूब आता हुआ था। एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो करप्शन है वो मेरा ख्याल है जितनी पिछले 3.5 साल में हुई है उसमें, मैं सिर्फ आपको जवाब दे रहा हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि मैं ज़्यादा ओवरऑल भी जो सवाल आपने किया है ये लोकल, अदरवाइज मेरा पायर होता है कि आज़ाद कश्मीर की सियासत या पाकिस्तान की सियासत कम बोलें और कश्मीर और पाकिस्तान पर ज़्यादा बोलें, तो मैं समझता हूँ कि इसलिए उनका है। और बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का तो नारा ही करप्शन और लूटमार के खिलाफ है, मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह साथ हैं और मजबूती के साथ साथ रहेंगे। असल में कुछ खबरें आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर बनने की या आपको नून लीग की क्यादत के साथ भी रास्ते में कोई या फिर मियाँ साहब से भी आपको रास्ता हुआ, तो इस वजह से एक फैसला पूछा। मेरा ख्याल है मैं तो आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर को शामिल कर रहा हूँ तो रास्ता पता नहीं क्यों इन्हीं से होगा। वासिद थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। And you can all the media.